नहीं भाई, सीए करना टफ नहीं होता है। हम मतलब स्कूल के बाद हमारे सारे दोस्त कॉलेज चले जाते हैं, वो बंदीबाजी करते हैं, नशे करते हैं, और हम सुबह 7 से 5 तक कोचिंग में मराते हैं, फिर उसके बाद 6 घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं। बट ये सब टफ थोड़ी हुआ, अब हम इंसान थोड़ी है भी तो सीए स्टूडेंट ना। हाँ मतलब ये तो है कि टाइम कम होता है और सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, उसमें भी एग्जाम से 1.5 घंटे पहले एक नया अमेंडमेंट आ जाता है, पर ठीक है, इस सबसे सीए करना टफ नहीं हो जाता। अब अगर हमें रिश्तेदारों की आईटीआर फ्री में भरनी है तो इतना स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ मतलब अटेम्प्ट बहुत सारे देने पड़ते हैं, बार बार फेल होते रहते हैं। अब मेरे पापा 1996 से अटेम्प्ट दे रहे हैं, मैं 2016 से दे रहा हूँ, पर बार बार अटेम्प्ट देकर फेल होने का मतलब ये नहीं है कि सीए करना टफ है। हो सकता है हमारी किस्मत में ये लिखा हो कि इस घर की 3 जनरेशन एक साथ सीए बनेंगी। आई नो एग्जाम भी एकदम गलत टाइम पर ही पढ़ते हैं, या तो आईपीएल सीजन में या फेस्टिव सीजन में, लेकिन हमारे कोचिंग वाले सर कहते हैं कि इससे सीए करना टफ नहीं हो जाता। अगर आप आईपीएल से डिस्ट्रैक्ट हुए बिना एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको लाइफ की पर्पल कैप मिलेगी, और एक बार सीए बन गए फिर तो हर रात दिवाली। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो गलत ही है कि 3 साल की आर्टिकलशिप हमें सिर्फ 6,000 रुपये महीने में करनी पड़ती है, लेकिन एक्सप्लोइटेशन कहाँ नहीं है। हमारे घर पे 3 छोटू काम करते हैं और वो खाने में सिर्फ गालियाँ खाते हैं। अब देखिए, सीए करना सिर्फ इसलिए टफ नहीं हो जाता क्योंकि इसके लिए आपको घर से दूर आना पड़ता है, लक्ष्मी नगर जैसी जगहों पे लिविंग कंडीशन अच्छी नहीं है। स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल कहाँ नहीं है। मेरे डीयू वाले दोस्त बताते हैं कि आजकल उनके नुक्कड़ नाटक नहीं चल रहे हैं, एमिटी वाले दोस्त बताते हैं कि लोग उनके प्रोनाउंस ठीक से नहीं लेते हैं, तो स्ट्रगल तो हर जगह है, पर सीए करना बिल्कुल टफ नहीं है।